स्किल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास फर्स्ट की मैथ्स वर्कशीट। इसमें मैं एक्सपेंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म और ऐड, सब्ट्रैक्शन ये सब बताने वाली हूँ कि हम बच्चों को किस तरीके से प्रैक्टिस करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को तोड़ तोड़ कर लिखना, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे 40 लिखा हुआ है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 40 + 5, ठीक है। हमने ऐसा क्यों किया? हमने इसको वंस और टेंस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सेम ऐसे हमें यहाँ पे करना है 33, तो क्या हो जाएगा? 30 + 3, 33। नेक्स्ट 64, 60 + 4, 53, 50 + 3। तो बच्चों को ये बताना है कि हम एक्सपेंडेड फॉर्म किस तरीके से यूज़ करते हैं। सबसे पहले वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स, इस तरीके से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। नेक्स्ट है राइट इन शॉर्ट फॉर्म। अब यहाँ पर हमने उसी चीज़ को क्या करना है? शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। मीन्स 6 tens, 6 tens का मतलब हो गया 60, 2 ones का मतलब 2, तो 60 + 2 कितना हो जाएगा? 62। सेम ऐसी 8 tens + 9 ones, तो 80 + 9 कितना हो गया? 89। नेक्स्ट 5 tens + 7 ones, 50 + 7 कितना बन गया? 57। 7 tens + 3 ones कितना हो जाएगा? 73। तो इस तरह से हम बच्चों को बताएंगे कि कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो बच्चे आसानी से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऐड द फॉलोइंग। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? ऐड करना है। तो हम फिंगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 30 + 5 = 35, 21 + 4 = 25, 50 + 2 = 52, 62 + 3 = 65। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें क्या करना है? माइनस करना है। तो हमने पहले भी ये मेथड डिस्कस किया था, जैसे 3 में से हमें 2 माइनस करना है तो हम बैक काउंटिंग करेंगे। कितनी बार? 2 times। जैसे 3 तो लिखा ही हुआ है, 2 1, ठीक है, तो आंसर इज़ 1। अब हमें क्या करना है? 1 time हमें बैक काउंटिंग करनी है, यानी कि 5 के बाद बैक काउंटिंग में 4, आंसर इज़ 4। इस तरह से एक बार और देख लेते हैं। 7 - 2 करना है तो क्या करेंगे? 6 5, आंसर इज 5। 4 - 3 क्या करेंगे? 3 2 1, ठीक है। ये हमें माइंड में सेट करना है कि हमें कितनी बार उसको काउंट करना है इस नंबर के अकॉर्डिंग। 6 - 2 क्या करेंगे? 5 4, आंसर इज 4। 4 - 3 क्या करेंगे? 3 2 1, क्या आ जाएगा आंसर? 1। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद ऑर्डिनल नंबर। जैसे यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो 4 को हम क्या बोलते हैं ऑर्डिनल में? 4th। 6 को 6th। यहाँ पर क्या बना हुआ है? ये स्पेलिंग 8th, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। ऐसे यहाँ पर 7th, यहाँ हो जाएगा 7। नेक्स्ट है ऐड द नंबर यूजिंग नंबर लाइन। हमें क्या करना है? नंबर लाइंस का यूज़ करके नंबर्स को प्लस करना है। वो हम कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4, तो सबसे पहले हम 4 पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। यहाँ पहुँच गए, उसके बाद हमें कितने प्लस करने हैं? 2 प्लस करने हैं, तो हम 2 times जंप करेंगे इस तरह से, तो आंसर इज़ 6। यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। बहुत ही सिंपल है ये मेथड। अब फिर से 3 पे पहुँचना है हमें, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, हम 3 पे पहुँच गए। उसके बाद हमें कितने काउंट करने हैं? प्लस 3, 3 और ऐड करने हैं, तो 1 2 3, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 6।
इस तरीके से। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, 4 + 0, अगर हम 0 को ऐड करते हैं 4 में तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ 4 आएगा, क्योंकि 0 का कोई भी वैल्यू नहीं होती। नेक्स्ट 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6, 6 × 1 = 6, 6 × 0, 0 को जब हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। 3 - 1 आंसर इज 2, 3 - 0, अब यहाँ पर क्या है, 0 है, तो 3 में से हमें यानी कि कुछ भी माइनस नहीं करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग, फर्स्ट है इसमें 2 + 2 + 2 इक्वल टू, हमें यहाँ पर क्या करना है, 2 देखने हैं, तो 2 यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, अब कितने टाइम्स 2 है वो हम नोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, ठीक है, तो 1, 2, 3, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे, ठीक है, 2 × 3, 3 टाइम्स है ये, क्योंकि तो 2 × 3 = 6, या फिर हम इनको प्लस करेंगे तो भी हमारा आंसर 6 आएगा। सेम ऐसी यहाँ पे भी करना है, 3 + 3 + 3 + 3, कितने टाइम्स आया, 3, 4, तो 3 × 4 = 12, 4 + 4 + 4 + 4 + 4, कितने टाइम, 5 times, तो कितना आ जाएगा, 4 × 5 = 20। नेक्स्ट 5 + 5, इसका मतलब यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 times है, तो 5 × 2 = 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुट दीज साइंस, अब ये साइन कौन से हैं, स्मॉलर, ग्रेटर और इक्वल टू, हमें वैल्यू देखनी है और उसी के हिसाब से साइन लगाना है, जैसे 42 और 46, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है, सबसे पहले हम पहला नंबर देखते हैं, तो हमारा ये दोनों नंबर क्या है, सेम है, उसके बाद सेकंड नंबर चेक करेंगे, तो सेकंड नंबर हमारा क्या है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 6, तो हम इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली कि 6 बड़ा होता है या 2, तो आंसर इज़ 46, इस तरीके से। सेम ऐसी 89, 83, तो सेम नंबर है फर्स्ट वाला, सेकंड वाले को हम चेक करेंगे, 9 और 3, 89। नेक्स्ट 49, 52, अब यहाँ पर फर्स्ट डिजिट से ही हमें पता लग जाएगा, क्योंकि ये अलग अलग है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, तो आंसर इज़ 52, इस तरीके से। नेक्स्ट है 33, 33, दोनों डिजिट्स हमारी सेम है, तो यहाँ आ जाएगा इक्वल टू। फिल इन द ब्लैंक्स, डैश इज़ द सेकेंड डे ऑफ द वीक, सेकेंड डे कौन सा होता है वीक का, मंडे। डैश इज़ द 6th month ऑफ द ईयर, हम इसे कैसे काउंट कर सकते हैं, काउंट करेंगे मंथ को पढ़ के, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो आंसर इज जून, जून इज द 6th month ऑफ द ईयर। इन वर्ड एप्पल, ये वर्ड है एप्पल, द 4th letter इज, इसका 4th letter क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 4, आंसर इज एल। नेक्स्ट इन वर्ड ग्रेप्स, द 3rd letter इज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 letter यानी कि ये वाला, तो आंसर इज ए, 3rd letter क्या हो गया, ए। एंड 5th letter इज, 5th letter मीन्स ये वाला, यहाँ पर लिखा हुआ नंबर ये, कितना क्या हो गया, ई, तो इस तरीके से बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है 50 पैसे + 50 पैसे इक्वल टू, कितना हो गया, कितने पैसे हुए, 100 पैसे, दोनों को प्लस कर लिया, उसके बाद और उसको हम क्या बोलते हैं, 1 rupee, क्या बोलते हैं, 1 rupee, 100 पैसे इक्वल टू 1 rupee। सो फ्रेंड्स, ये थी क्लास फर्स्ट की मैथ्स वर्कशीट, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, मिलते हैं अगले वीडियो में।